नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, क्या फंडामेंटल्स है, किस कृषि फसल के अंदर आगे जाके कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है, क्या स्तर देखने को मिल सकते हैं, रोक के चलना सही रहेगा या खरीदारी करके या बेच के, ये सब जानने की कोशिश करेंगे बाजार की चाल के अंदर। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे कैसे सीड से। देख रहे हैं कि कैसे सीड का नवंबर वायदा शाम के कारोबारी सत्र में 6620 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 6660 का हाई लगा चुका है। हम देख रहे हैं कि आज भी कैसे सीड का वायदा बाजार 6600 यानी 6600 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। बाजार के जानकारों की माने तो अगला सप्ताह जो छुट्टी रहेंगी कमोडिटी बाजार में, हो सकता है कि हलचल थोड़ी कम देखने को मिले। तो अगले से जो अगला सप्ताह होगा वो कैसे सीड की कीमतों के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है, क्योंकि कैसे सीड की कीमतों में तेजी का ही रुझान है। और अब जिस हिसाब से कीमतें एकदम से 6600 के ऊपर सस्टेन होती हुई नज़र आ रही है, तो उम्मीद है कि कैसे जो है वो 6700 बहुत ही जल्द और फिर उसके बाद 6800 से लेकर 7000 तक के भी लेवल्स दिखला दे। तो कैसे सीड की कीमतों में ओवरऑल तेजी का ही रुझान है। बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का दिसंबर वायदा देखने की 2592 पर कारोबार कर रहा है, 2620 का हाई लगा चुका है, 1.5% की तेजी है। मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से काफ़ी जानकारों ने लगातार बिनौला खल में तेजी का ही रुझान बताया है। काफ़ी समय से सारे ही जानकार जितने भी अभी तक आप लोगों ने देखे हैं, सभी लोग मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से आपको बिनौला खल में तेजी का ही रुझान बता रहे थे और ये बता रहे थे कि बिनौला खल बहुत ही जल्द 2600 का लेवल दिखला सकता है। आज वो बिनौला खल का 2600 का लेवल अचीव होता हुआ नजर आ गया है। देख रहे हैं कि बिनौला खल के दिसंबर वायदे ने 2620 का हाई लगा दिया है। तो अब यहाँ से जो नेक्स्ट लेवल रहेगा जानकारों की तरफ से बिनौला खल में वह 2700 का रहेगा। लेकिन यहाँ पे बिनौला खल में कीमतों का 2600 के ऊपर सस्टेन होना, क्लोजिंग देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो देखने को मिल जाता है तो 2700 के तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो 2800 के भी लेवल्स बिनौला खल में देखने को मिल सकते हैं। तो बिनौला खल में भी अभी हाल फिलहाल में तेजी ही देखने को मिलती रहेगी। हमने बिनौला खल की कीमतों में एक थोड़े समय के लिए एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी थी, लेकिन वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी भी थी, निचला स्तर देखने को नहीं मिला था, एक सस्टेन होकर चला था वायदा बाजार और ठीक लेवल्स पर देखने को मिला था। अब यहाँ से कुछ तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आगे अभी 2700 से 2800 तक एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। बात करें यहाँ से अगर मसालों की, तो मसालों का नवंबर वायदा देख रहे हैं 8072 पर है, 0.5% की करेक्शन है। जीरे का नवंबर वायदा 14940 पर कारोबार कर रहा है, 0.25% की करेक्शन, 15155 का हाई लगा चुका है। और टर्मेरिक का नवंबर वायदा 7310 पर कारोबार कर रहा है 0.25% की गिरावट के साथ। आज देख रहे हैं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मसालों का वायदा बाजार कुछ सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जीरे के अंदर भी जो अच्छे लेवल्स देखने को मिले थे 15500 तक के, उनसे भी जीरा आपको कहीं ना कहीं फिसलता हुआ नजर आ रहा है और 14900 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन धनिया अभी भी 8000 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है और हल्दी की कीमतों में भी कुछ अभी बढ़त देखने को मिली है। पहले के मुकाबले लेवल्स हल्दी में ठीक देखने को मिले हैं, हालांकि अभी भी लाल निशान पर हैं, लेकिन वायदा बाजारों में एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है मसालों के अंदर। लेकिन बात की जाए अगर हाजिर बाजारों की, तो फिजिकल मार्केट में मंडियों के अंदर मसालों की कीमतों में तेजी ही देखने को मिल रही है। एक त्योहारी सीजन की मांग निकल के सामने आई है, जिसकी वजह से मसालों की जो बिक्री है वो बढ़ती हुई नजर आई है मंडियों के अंदर और दुकानों पर। बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम का नवंबर वायदा देख रहे हैं 13515 पर है, 13650 का ही लगा चुका है, 1.5% से ज़्यादा की तेजी है। और ग्वार सीड के नवंबर वायदा देख रहे हैं 7132 पर कारोबार कर रहा है, 7185 का ही लगा चुका है, 2.25% की तेजी देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड की कीमतों में आज शाम के कारोबारी सत्र में भी, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी एक शानदार बढ़त के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। बीते सत्र में हमने ग्वार की कीमतों में मुनाफा वसूली आती हुई देखी थी, कुछ कीमतें नरमी के साथ कारोबार करती हुई नजर आई थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि ग्वार की कीमतों में एक बार फिर से खरीदारी निकलती नजर आ रही है। दरअसल ऐसा कोई फंडामेंटल ग्वार में अभी बन नहीं रहा है जो गिरावट का कारण बने, क्योंकि हमने देखा है कि क्रूड में भी ओवरऑल जो लेवल्स हैं पहले के मुकाबले ठीक ठाक ही हैं। हालांकि क्रूड की कीमतों में भी हमने एक हल्की सी करेक्शन आते हुए देखी थी, लेकिन कच्चे तेल पहले के मुकाबले अच्छे लेवल्स पर है। और दूसरा, ग्वार की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो भी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ग्वार की कीमतों में तेजी का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है, सबसे मुख्य कारण ग्वार की कीमतों में तेजी का है ग्वार का उत्पादन, जो कि इस साल बहुत ही कम रहने वाला है, आधे से भी कम बताया जा रहा है। पिछले साल देखा था कि 50 से 60 लाख बोरी का हुआ था, इस बार 25 से 30 लाख बोरी का बताया जा रहा है ग्वार का उत्पादन, जो कि
पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम ही है। तो उत्पादन ना के बराबर, आधे से भी कम होना, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं ना के बराबर होना, क्योंकि इस बार बुआई के समय बारिश की गतिविधियों के चलते बुआई नहीं हो पाई है। और दूसरा, जो पहले वाला ग्वार का स्टॉक था, जो स्टॉकिस्टों के पास, व्यापारी के पास, किसानों के पास था, अभी वो धीरे धीरे अब यूज़ में आता हुआ नज़र आ रहा है, अब वो धीरे धीरे इस्तेमाल होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से किसानों को, व्यापारियों को और स्टॉकिस्टों को एक अच्छा मौका मिला है अपनी ग्वार निकालने का। हाजिर के अंदर ग्वार की जो कीमतें हैं वो भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, ले वाली ठीक ठाक ही है। अभी व्यापारियों को ये भी उम्मीद है कि जो ग्वार है आगे जाके 15,000-16,000 तक के भी लेवल्स दिखला जाए, लेकिन अभी जो व्यापारी ये तेज़ी बनती हुई नज़र आई है एकदम से, व्यापारियों ने इसके चलते ये उम्मीद लगाई है। अब ये वक्त ही बताएगा क्या ग्वार के अंदर 15,000-16,000 तक की बिलावस देखने को मिलेंगे या नहीं। लेकिन ज़्यादातर व्यापारी और जो किसान हैं उनको उम्मीद है कि जो ग्वार है 15,000 या फिर 15,000 का आंकड़ा पार करके ज़रूर दिखाएगा। बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का नवंबर वादा देख रहे हैं 5,378 पर कारोबार कर रहा है, 5,410 का ही लगा चुका है, 1.25% की तेजी है। हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों में वायदा बाजार के अंदर भी एक शॉर्ट कवरिंग मूव बनता हुआ नज़र आया है। सोयाबीन की कीमतों में वायदा बाजार के अंदर एक हल्की तेज़ी बनती नज़र आ रही है। दरअसल विदेशों में सोयाबीन की थोड़ी कमी देखने को मिली है और कीमतें भी जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिली है अच्छी डिमांड के चलते, जिसकी वजह से उसका असर भारत में सोयाबीन की कीमतों पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और इसी का रिफ्लेक्शन हम सोयाबीन की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पर पड़ता हुआ देख रहे हैं। और बात की जाए यहाँ से अगर फिज़िकल मार्केट, तो फिज़िकल मार्केट में सोयाबीन का दाम काफ़ी ज़्यादा नीचे है, MSP से भी काफ़ी ज़्यादा नीचे मिल रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले में जो कृषि मंत्री का विधानसभा है वहाँ पर सोयाबीन का दाम 1700 रुपये प्रति क्विंटल कल के डेट में देखने को मिला था, यानी बीते सत्र में सोयाबीन का वहाँ पर जो दाम था वो 1700 रुपये क्विंटल था सबसे नीचे में। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, जब कृषि मंत्री कमल पटेल के विधानसभा के क्षेत्र में हरदा में वहाँ पर सोयाबीन का दाम ये देखने को मिल रहा है, तो सोयाबीन का हाल अब आगे क्या ही होगा। लेकिन किसानों ने पूरी की पूरी रणनीति बना ली है, किसान एकदम डट के तैयार हो चुके हैं कि वो सोयाबीन की कीमतों में तेज़ी लाकर ही छोड़ेंगे, और ऐसा लग भी रहा है कि सोयाबीन की कीमतों में आगे जाके अब तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। चाहे आंकड़े कुछ भी कहें, कि चाहे कुछ भी कहा जाए कि उत्पादन के आंकड़े काफ़ी ज़्यादा हैं पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि रकबे में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि उनको सब कुछ पता है कि ये जो उत्पादन के आंकड़े ज़्यादा बताए जा रहे हैं वो इसलिए बताए जा रहे हैं जिससे कि जो बड़े व्यापारी हैं किसानों से सस्ते में उनकी सोयाबीन खरीद कर हड़प कर किसानों की सस्ते में सोयाबीन खरीद कर और हड़प कर अपने पास रख लें, और बाद में उसी को महंगे तेल के दाम के रूप में बेचें, बाद में उसी का सोयाबीन को महंगे उत्पाद बनाकर या फिर महंगा तेल उसका बेचें। क्योंकि किसानों को पता है कि जब भी उनकी फसल आती है कोई ना कोई ऐसा फैसला ज़रूर आता है, चाहे सरकार की तरफ से हो चाहे व्यापारियों की तरफ से हो, कि उनकी फसलों के दाम कहीं ना कहीं कम हो ही जाते हैं। और किसानों के साथ ये पहली बार ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, किसानों को काफ़ी पहले से ऐसी चोटें लगती हुई नज़र आ रही है, लेकिन किसानों ने इस बार दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वो अपनी सोयाबीन में तेज़ी लाकर ही छोड़ेंगे और अपनी सोयाबीन नहीं बेचेंगे। तो एक तरफ से देखा जाए तो किसानों ने काफ़ी अच्छा फैसला लिया है ये, क्योंकि किसानों की जो सोयाबीन की जो फसल है वो भारी बारिश के चलते भी ख़राब हुई है, और दूसरा जब सरकार ने सोयाबीन खली के आयात का फैसला लिया है उसकी वजह से भी सोयाबीन का जो दाम है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र आया है। सरकार ने सोयाबीन की MSP 3,950 रुपये प्रति क्विंटल तय की हुई है, लेकिन किसानों को MSP भी नहीं मिल पा रही है। तो अब जब MSP नहीं मिल रही तो भला किसान अब इसमें रुचि क्यों दिखाएंगे और अगली बार सोयाबीन का उत्पादन क्यों ही करेंगे, किसानों का एक सवाल ये भी है। तो अगर किसानों को MSP या फिर उनकी लागत नहीं मिलती है जितना उनका नुकसान हुआ है, तो सोयाबीन का हो सकता है कि इस बार भले ही उत्पादन ज़्यादा बताया जा रहा हो लेकिन अगली बार कहीं इसका उत्पादन कम ना होता हुआ नज़र आए, क्योंकि जब किसानों को दाम ही नहीं मिलेंगे तो किसान भला ही इसमें नुकसान उठाना क्यों पसंद करेंगे। सब अपना मुनाफा चाहते हैं, अगर व्यापारी स्टॉकिस्ट अपना मुनाफा चाहते हैं तो किसान भी आत्महत्या नहीं चाहता है, किसान भी अपना मुनाफा ही चाहता है, किसानों को भी अपना घर परिवार का पेट पालना पड़ता है। तो किसान भी अब अपनी फसल नहीं बेचेगा, 10,000 से नीचे तो नहीं बेचेगा, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। और दूसरा, अगर MSP नहीं मिली, किसानों की लागत नहीं निकली, तो किसान भी अब अगली बार से सोयाबीन नहीं उगाएंगे, ये भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। और अगर किसान ऐसा करते हैं, सोयाबीन नहीं उगाते हैं अगली बार में जब इसकी अगली बुआई होगी, तो हो सकता है कि जो भारत
खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर हासिल करने का जो सपना देख रहा है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाए, तो सरकार को भी किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से किसानों को लाभ हो सके और किसानों को उनकी परेशानियों से उठाना चाहिए। सरकार के काफ़ी ज़्यादा स्कीमें लॉन्च करी हैं जिसकी वजह से किसानों को फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन मौसम पर किसी का जोर नहीं है, लेकिन MSP देने पर है और बीजों की सप्लाई कराने पर इन पर जोर है। तो किसानों को अगर बुआई के समय अच्छे बीज मिलते तो हो सकता है कि जो सोया खली का जो आयात का जो फैसला है वो ना लेना पड़ता और सोयाबीन के भी दाम किसानों को अच्छे मिल रहे होते और पोल्ट्री इंडस्ट्री भी संकट में ना आती। तो अब किसानों ने ठान ली है सोयाबीन में किसान अब तेज़ी लाकर ही छोड़ेंगे। ज़्यादातर किसान अब अपनी सोयाबीन धीरे धीरे स्टॉक करके रख रहे हैं। बात करें यहाँ से अगर सरसों की, तो सरसों में ये खबरें निकल के सामने आ रही कि अब सरसों की जो दैनिक मांग है उसके मुकाबले दैनिक आवक मंडियों की अगर औसतन ली जाए, दैनिक औसतन मांग और दैनिक औसतन आवक, तो उन दोनों में काफ़ी अंतर है। यानी कि डिमांड और सप्लाई काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के अंदर, काफ़ी ज़्यादा अंतर है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, जिसकी वजह से हम सरसों दाने की कीमतों में लगातार तेज़ी देख रहे हैं। और अब ज़्यादातर जो किसान अपनी सरसों किसानों को बेच ही चुके हैं, जो थोड़ा बहुत स्टॉक पड़ा है वो किसानों के ही पास है, जो कि अभी इस समय अपनी सरसों को बेचने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। किसानों को पता है कि अभी सरसों की बुआई देरी से हुई है, नई फसल नई आवकें होने में 1 महीने की देरी होगी और जब आएगी तब भी वो धीरे धीरे कर ही अपनी पुरानी सरसों लेकर आएंगे, क्योंकि नई सरसों में नमी होगी तो पुरानी की पूछ परख ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से पुरानी में ज़्यादा दाम मिलेंगे। तो किसानों ने स्ट्रेटजी बना ली है, किसान सरसों की कीमतों में तेज़ी लाने के लिए तैयार हैं और उनको ऐसी आशा है कि जो दाम है उनको इस बार और भी ज़्यादा अच्छा मिलता हुआ नज़र आ सकता है। तो ओवरऑल रुझान जो सरसों में रहेगा आने वाले दिनों में भी वो तेज़ी का ही रहेगा। अगर सरसों के ऊपर कोई फैसला भी आता है तब भी सरसों की कीमतों में तेज़ी ही रहेगी, क्योंकि सरकार के पास तो स्टॉक है नहीं, क्योंकि सरकार ने खुद ही ऊँची कीमतों के चलते सरसों दाना का स्टॉक नहीं किया था, जबकि किसानों ने दरख्वास्त करी थी, सरकार से रिक्वेस्ट करी थी कि सरकार वक्त रहते सरसों की बुआई के लिए बीजों का इंतज़ाम पहले ही कर ले, जिससे कि उनको भी बुआई के समय सोयाबीन वाला हाल ना देखना पड़े। लेकिन ऊंची कीमतें थी, सरकार ने खुद ही बुआई के लिए स्टॉक नहीं बनाया, तो किसान भी भलाई क्या करते, उन्होंने भी अपनी सरसों को स्टॉक करके रख लिया, क्योंकि किसानों के पास दूसरा और कोई चारा भी नहीं था। तो देखा जाए तो किसान भी अपनी जगह सही है, किसान भी गलत नहीं है, किसानों को अपनी लागत भी निकालनी है, आगे की बुआई के लिए बीज भी बचा के रखने हैं। तो ओवरऑल रुझान जो रहेगा सरसों में वो अभी हाल फिलहाल में तेज़ी का ही रहेगा, और ऊपर से जैसे भी सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में सरसों तेल की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो सरसों में की कीमतों में आगे तेज़ी ही देखने को मिलती रहेगी, अभी जानकार हाल फिलहाल में ऐसा बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से अब दलहन बाज़ार की और चने की। जान लेते हैं कि चने का बाज़ार और दलहन बाज़ार कैसा देखने को मिल सकता है इस दिवाली, और हाल फिलहाल में कैसा देखने को मिल रहा है, क्या दिवाली पर चने के अंदर और दालों की कीमतों में कुछ तेज़ी की संभावनाएं हैं, अभी वर्तमान में दोनों का बाज़ार कैसा बनता हुआ नज़र आ रहा है, इस पर एक नज़र डालेंगे। तो आपको बता दें कि चने के बारे में तो पहले ही हम सरकार द्वारा काफ़ी एक्शन देख चुके हैं, सिर्फ चना ही नहीं बल्कि दालों के ऊपर भी। दालों पर सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई, सेबी ने चने का कारोबार बंद किया, वायदा में चना फ्यूचर बंद किया। उस समय सेबी ने ये कहकर किया था कि चने की जो कीमतें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जबकि चने की जो कीमतें थी उस समय MSP पर भी नहीं कारोबार कर रही थी, लेकिन सेबी को डर था कि जिस हिसाब से त्योहारी सीज़न आ रहा है तो चने के अंदर जो स्पेकुलेशन है, जो सट्टेबाजी है, वो कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए और उपभोक्ताओं को दिक्कत ना हो, इसकी वजह से सेबी ने चने की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पर रोक लगा दी थी। और अभी हाल फिलहाल की हाजिर की बात करें तो जो चना है MSP के पास ही है, अपनी क्वालिटी अनुसार के साथ ही बिक रहा है, लेकिन चाहे चने की बात करें चाहे दाल की बात करें, वो तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है इस बार चने में और दालों में, जो हर त्योहारी सीज़न में दिवाली पर देखने को मिलती थी। इस बार चने में ग्राहकी कमज़ोर है और दालों में भी, हालाँकि जो प्राइसेज हैं कुछ हल्के से नरम हुए हैं, लेकिन वो तेज़ी बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। मार्केट टाइम्स टीवी की काफ़ी व्यापारियों से बात भी हुई है इस बारे में, जिन्होंने मार्केट टाइम्स टीवी को ये बताया है कि इस समय चना और दालों का जो बाज़ार है कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहा है।
दोनों की कीमतों में एक नरमी देखने को मिल रही है। जो डिमांड ज़्यादा होने के बावजूद भी, डिमांड भले ही ज़्यादा है लेकिन कीमतें अभी भी नरम ही हैं। उन्हें पहले बीते सालों में जो सेल देखने को मिलती थी चने में और दालों में, इस साल वो नहीं देखने को मिल रही है। और दूसरा, अभी जो व्यापारी हैं, स्टॉकिस्ट हैं और किसान हैं, इनको इस बात का डर सता रहा है कि जिस हिसाब से सरकार ने पहले से ही दालों पर स्टॉक लिमिट और सेबी ने चना वायदा पर रोक लगाने जैसे बड़े काफ़ी अहम फैसले लिए हैं, इसकी वजह से भी जो बड़े व्यापारी हैं और जो छोटे व्यापारी हैं, चाहे किसान हो चाहे स्टॉकिस्ट हो, वो कुछ भी अपना अगला कदम उठाने से अभी घबरा रहे हैं। उनके अंदर एक डर है सरकार के फैसलों से कि कहीं उन्होंने कुछ कदम उठाए, कुछ निवेश किया या फिर इसमें कुछ भी ट्रेड किया तो सरकार का फैसला आने से उनकी उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए व्यापारियों के अंदर, किसानों के अंदर और स्टॉकिस्टों के अंदर काफ़ी एक डर का माहौल भी है। और दूसरा, चना और दालों में जो गिरावट का कारण बन रहा है वो है दालों का इम्पोर्ट होना। सरकार दालों का इम्पोर्ट कर रही है, मलावी, म्यांमार जैसे देशों से सरकार ने 5 साल के लिए दालों के इम्पोर्ट का करार किया है और मई में कुछ दालों को फ्री कैटेगरी में डाल दिया था, जो कि इस साल 31 दिसंबर तक जारी रह सकता है। तो इन सभी फैसलों के चलते चना और दलहन बाजार में एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि दिवाली के बाद भी देखने को मिलती रहेगी। तो अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो चना और दलहन बाजार जो है वो सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है और अभी कुछ दिनों तक इनमें ऐसा ही रुझान देखने को मिलता रहेगा। तो आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कुछ सवाल हैं या फिर आप किसी कम्युनिटी पर या फिर किसी भी टॉपिक पर खबर चाहते हैं, न्यूज़ चाहते हैं, तो कृपया अपने कमेंट सेक्शन में छोड़ दें। मार्केट टाइम्स टीवी की पूरी कोशिश रहेगी उन टॉपिक्स पर, उन कम्युनिटीज़ पर आपके लिए खबर लाने की। फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।